हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि तीन तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो पहले दो तरह के जो आपका सिक्वेंशियल लॉजिक और सिलेक्शन लॉजिक था, उसके बारे में तो उन्होंने बात कर लिया था। आज हम तीसरा जो लास्ट है इटरेटिव लॉजिक, उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले जिन स्टूडेंट्स ने पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा सिलेक्शन लॉजिक वाला, तो सिलेक्शन लॉजिक को हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि एग्जाम्पल से, उससे आपको सिलेक्शन लॉजिक का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। कि देखिए इसमें क्या होता है कि इन केस ऑफ सिलेक्शन, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया से, सपोज कीजिए एग्जाम्पल, ठीक। इसमें क्या है कि द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, जहां पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो आर गिवेन बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो हमें मिलेगा इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, जिसे हम सब लोग जानते भी हैं, -b + -√(b² - 4ac)/2a। ये होता है द क्वांटिटी डी। अब इसमें मालूम है कि डी क्या होता है, डी होता है हमारा b² - 4ac, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, ये बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा कि इफ डी इज निगेटिव देन देर आर नो रियल सोल्यूशंस, इफ डी इक्वल टू जीरो देन देर इज ओनली वन रियल सोल्यूशन, दैट इज x = -b/2a, एंड इफ डी इज पॉजिटिव द फॉर्मूला गिव्स टू डिस्टिंक्ट रियल सोल्यूशंस, ठीक है। द फॉलोइंग एल्गोरिथम फाइंड द सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हमें इसमें मालूम है कि इफ डी इज लेस देन जीरो तो क्या होगा, यहाँ पे हमें पता है कि नो रियल सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद अगर डी इक्वल टू जीरो आता है तो क्या होता है कि केवल देर इज ओनली वन रियल सोल्यूशन, और वही सोल्यूशन रिपीट होता है, मतलब एक्स की दो रियल और इक्वल वैल्यू आती है। और व्हेन डी इज पॉजिटिव तो क्या होता है, हमारे पास दो सोल्यूशन आते हैं और टू डिस्टिंक्ट, मतलब उसमें डुप्लीकेसी नहीं होती, डिस्टिंक्ट रियल सोल्यूशन, ये होता है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए, अगर हम एल्गोरिथम लिखेंगे तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एल्गोरिथम किस तरह लिखी जाएगी वो आप देख लीजिए। क्योंकि ये इसमें देखिए तीन केस हो रहा है ना, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये सिलेक्शन लॉजिक पे ही बेस्ड एल्गोरिथम है। तो इसकी एल्गोरिथम लिखते हैं अगर हम, वो आप देख लीजिए कैसे लिखते। तो एल्गोरिथम हमने लिखा, अब उसके बाद कोई भी अपने मान लीजिए से हमने कहा एल्गोरिथम, हमने कहा वन या 1.1, ऐसे हमने नंबर दे दिया, तो ये तो आइडेंटिफाइंग नंबर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, तो इसके बाद हम डिक्लेरेशन करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और डिक्लेरेशन लिखेंगे ये एल्गोरिथम क्या करता है। तो हम लिखेंगे दिस एल्गोरिथम इनपुट्स द कोफिशियंट्स, इनपुट्स द कोफिशियंट्स ए बी एंड सी ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आउटपुट्स द रियल सोल्यूशन। ये हम पहले एल्गोरिथम के बारे में डिक्लेयर कर देंगे, रियल सोल्यूशन इफ एनी, अगर कोई रियल सोल्यूशन है तो हम इस एल्गोरिथम में ये इनपुट करेंगे ए बी सी,
और उसका सॉल्यूशन निकाल के ये एल्गोरिथम हमको दे देगी। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप वन, स्टेप टू और स्टेप थ्री, इस तरह हम एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे अपनी। तो मान लीजिए हमने सबसे पहले यहीं पे लिख दिया स्टेप वन। अब स्टेप वन में सबसे पहले मैं क्या करना है, रीड करना है क्या ए बी सी, इन तीनों की वैल्यू हमने रीड कर ली। उसके बाद स्टेप टू में क्या करेंगे, उसके बाद स्टेप टू में करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा स्टेप टू, इसमें क्या होगा कि डी को हमने माना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो यहाँ हमने लिखा सेट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये लिख दिया हमने। अब स्टेप थ्री में यहाँ पे हमने कंडीशन डाला इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो देन, अब देन में हमें क्या करना है, दो स्टेटमेंट, एक एक तो हमें स्टेटमेंट ये देना है कि रूट्स निकालने हैं, तो सेट एक्स वन इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन टू ए एंड एक्स टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए। एक्स वन और एक्स टू कैलकुलेट कर लिया हमने। उसके बाद और क्या करना है, एक्स वन एक्स टू को प्रिंट करना है, उसका सॉल्यूशन जो है, तो राइट एक्स वन एक्स टू, ठीक है। तो इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो है तो हमें ये काम करना है, एल्स अगर ये नहीं है तो एल्स, फिर हम चेक करेंगे इफ डी इक्वल टू जीरो देन, तो हमें क्या करना, तो फिर यहां हम स्टेटमेंट देते हैं कि साहब सेट एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए और राइट करना है हमको यूनिक सॉल्यूशन एक्स, तो राइट कर दिया हमने यहाँ पे कोट्स में, लिखा हमने यूनिक सॉल्यूशन, कोट्स क्लोज करके कॉमा देके यहाँ लिख दिया हमने, ये हमने कोट्स लगाया मान लीजिए, और यहाँ हमने लिख दिया एक्स। ठीक, ये करना है हमें, ये इसका सेकंड स्टेप। और मान लीजिए ये ना डी इज ग्रेटर देन जीरो का केस है ना डी इज इक्वल टू केस है, तो फिर बचा एल्स, यानी अगर पॉजिटिव नहीं है इक्वल नहीं है तो तीसरा केस यही बचता है कि निगेटिव है, तो निगेटिव है तो उसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर में जाने के बजाय आप सिंपली लिख दीजिए राइट, और हमने यहाँ लिख दिया नो रियल सॉल्यूशंस। ठीक है, और फिर यहाँ पे पहले हम इफ इफ स्ट्रक्चर को एंड करेंगे, तो हमने लिख दिया एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, ये इफ एंड हो गया, और फिर लास्ट स्टेप में यहाँ लिखेंगे स्टेप फोर, और एल्गोरिथम ही यहाँ एंड करनी, तो हमने लिख दिया एग्जिट। तो इसमें क्या होगा कि इस तरह से देखिए सिलेक्शन लॉजिक पे आधारित है कि डी डी जो है तीन वैल्यूज हो सकती है, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो और लेस देन जीरो, तो ये एल्गोरिथम सिलेक्शन लॉजिक पे बेस्ड हम इस तरह डेवलप कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि देर आर थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन, ठीक है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि कोई कंडीशन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही है, भाई डी इज ग्रेटर डी पॉजिटिव है या डी निगेटिव है या डी इक्वल टू जीरो है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, इस तरह इन सच सिचुएशन वी मे अल्टरनेटिवली लिस्ट द डिफरेंट केसेस एज फॉलोज, तो कहने का मतलब यह है कि
हम इस एल्गोरिथम को इस तरह भी बना सकते हैं, और चूंकि ये जो डी के तीनों केस हैं, डी इज ग्रेटर देन जीरो और डी इज इक्वल टू जीरो और डी इज लेस देन जीरो, ये तीनों क्या है, ये म्यूचुअल एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये जो लाइनें हमने इस तरह इफ एल्स यूज करके बनाई है, इसकी बजाय हम इनको चाहते तो ऐसे भी बना सकते थे। मतलब हम इसको जो हमारा स्टेप थ्री है एल्गोरिथम का, आप देखिए स्टेप थ्री को हम इस तरह भी लिख सकते थे। स्टेप थ्री लिखते, ठीक है, पहला केस हम दे देते इस तरह से कि इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, देन जो भी स्टेटमेंट लिखना था वो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक। फिर सेकेंड केस दे देते यहाँ पे और कंडीशन डालते इफ डी इक्वल टू जीरो, फिर देन करके फिर हम इसके स्टेटमेंट लिख देते हैं। फिर तीसरे केस में हम लिख देते इफ डी इज लेस देन जीरो, देन इसके स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये हम इस तरह से भी इस एल्गोरिथम को लिख सकते थे, बिकॉज डी के जो तीनों पॉसिबल केसेस हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। तो एक तरह से ये केस स्टेटमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पास्कल लैंग्वेज में, अगर आप पास्कल लैंग्वेज जानते हो तो ये उसी तरह हो गया। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप एल्गोरिथम को कैसे डेवलप करते हैं। तो आई होप कि आपको सिलेक्शन लॉजिक एकदम क्लियर हो गया होगा। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने उसकी थ्योरी पढ़ा दी थी फ्लो चार्ट के साथ में, और आज उसका जो है आपको एक एग्जाम्पल भी समझा दिया है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है, क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू।